हमें जो है मार्केट भी जाना है, छठ के लिए खरीदारी करनी है। कल से ही कदुआ भात शुरू हो जाएगा कि परसों है? कल है। कल है। यहाँ पे पति देव जो है क्या कर रहे हैं? मीटू की मालिश कर रहे हैं। मालिश हो रही है क्रियांश की, गरम गरम तेल से। तेल है, लहसुन है, उसमें जाफर है, बिल्कुल, ताकि इसको जो है ठंड से बचा करके रखी, क्योंकि पैर जो है काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है इसका। क्रियांश कैसे लग रहा है? पापा मालिश कर रहे हैं फर्स्ट टाइम बेटू को। हेलो बोल दीजिए सबको। हेलो जी, नहीं खा रहे आप? जी नहीं खा रहे सबको? गंदा बात बेटा, गंदा बात। पापा से मालिश करवा लीजिए, मालिश करवा लीजिए पापा से। मालिश कर दीजिए, उसके बाद उसको फुल कपड़ा पहना देंगे। बिल्कुल, ऊपर तो पहना ही हुआ है, बस नीचे पहनाने का जरूरत है। पतिदेव खाना खा लिए हैं, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो अभी ऐसा ही चल रहा है कि जब एक बार हम खाते हैं तो उस समय जिया इसको संभालती है, जब जिया खाती है तो हम संभालते हैं। दोनों एक साथ तो अभी नहीं बैठ सकती, ऐसी कंडीशन है नहीं। The next day. तो क्रियांश की दादी आ गई है और क्रियांश का रिएक्शन देखिए। बाबू बेटा दिनकर के व्रत कल के दादी और पोता का मुन करा देते नहा तो केस न टूटते। बोलो मैं तो गंजा हो गई अभी आ गए। हमार बेटा कहाँ जा रहा है? कहाँ छे बाबा? कहाँ छे? तो बाबू चला गया अपने दादा दादी के पास, बहुत ज्यादा खुश है। उसको हम बोल रहे थे चलो ऊपर दूध देंगे, नहीं कि नहीं आया, मतलब घुस गया दादी के गोदी में, तो छोड़ दिए। जाते हैं दूध लेके नीचे ही देंगे दूध। Two hours later. और क्रियांश का जो है नई नई हो चुका है। ओए क्रियांश, ओए। और क्रियांश से अभी क्या बना है? भालू बना है। भालू बना है क्रियांश। ओए क्रियांश, ये सब कुछ को खाने के फिर। लेकिन बस वही दिक्कत है, जो कपड़ा मिले उसको मुंह में ले लेना। ओए क्रियांश, ओए स्थिर रहे तो अपना। ओए क्रियांश, हो गया? नहीं नहीं हो गया, नहीं नहीं। स्थिर रहेगा ही नहीं अभी। जा। अच्छा अब दिख रहा है। A few moments later. तो आ गया कद्दू, कद्दू भात के लिए। कद्दू आ गया और महंगाई को देखते हुए आज इधर से डायरेक्ट खरीद लिए हैं, क्योंकि इसी का दाम 50% है, हो सकता है कल 100 रुपया हो जाए। बिल्कुल कोई ठीक नहीं है, इसलिए खरीद लिए पर्व के नाम पर। आगे महादेव और दिनकर दोनों की कृपा जब तक। सही बात है, पूजा घर में रख दे। पूजा घर में रख दे, ठीक है। इसको अब कपड़ा पहना दो। घूंघट ले रहा है, घूंघट ले रहा है क्रियांश। तो यहाँ पर बन रहा है जी तरवा, तो जल्दी से तरवा का इंतजार कर रहे हैं हम, तो तरवा आ जाए फिर हम खाने चलेंगे। वैसे खाना मेरा वहाँ लग चुका है, बस खाली तरवा का इंतजार है। और उसके बाद जो है क्रियांश भी एकदम तैयार हो गया है और क्रियांश को अपने ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसका जो तीथर है इसके हाथ में लगा दिया है, लेकिन लीजिए खोल लिया ये, और अपने सब उसको मुँह में लेता रहेगा ये। हाँ क्रियांश, कोई क्रियांश उजे घाट मोड़ा छे काला घाटो हिया बाटा छे काला सिपाही उजे गोदी मोड़ा छे काला क्रियांश पोता कैसे दे बारक कैसे दे बार उजे घाट मोड़ा छोड़ा लगाटो हिया बाटा छोड़ा लसीपाई उजे गोदी मोड़ा छोड़ा लदुलड़ुआ पोता हे अरग दिए जा हे बिनती कर जा। सुन लिया क्रियांश गीत दादी का? तो अभी बज रहे हैं जी 3:00 और इस समय हमारा नहाना हुआ है। आज जो थोड़ा सा नहाना इग्नोर कर दिए थे क्योंकि उस समय जो मूड कर नहीं रहा था, तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी, तो थोड़ा सा रेस्ट किए और उसके बाद जो है उठे हैं और नहाए और नहा करके जो है एकदम फ्रेश फील हो रहा है।
और यहाँ क्रियांश को देख सकते हैं, डिस्टर्ब कर दिए, अता पता करे, पता आगे क्या होता है पता नहीं, इतना अच्छा झूला पापा ला के दिए, उस पर नहीं झूलना, इसको इसी पे झूलना है, पता क्या पता क्या पता आगे का पता ही नहीं, क्या पता ही नहीं है ना क्रियांश, ओए होए पता चलो कर। तो भगवान की दया से जो है आज दादी आई है और क्रियांश थोड़ा सा भी ठीक लग रहा है, नजर ना लगे क्योंकि जब भी ऐसा कुछ बोलते हैं आप बोलिए ही मत, बोलते ही नहीं, तो जो भी बात अभी हम बोल रहे हैं वो कैंसिल होगी, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ, मैं अबेता का तबियत खराब, मुँह देखना सूख गया, जैसे ही थोड़ा सा तबियत ठीक होता है मतलब हेल्थ थोड़ा सा बनता है बस बीमार पड़ जाता है, बदमाश है ये, हर हमेशा बीमार पड़ जाता है, गुंडा है ये लड़का, इतना सहता हम नहीं देखे थे, नखट हो गया ये मेरा बेटा, राजकुमार है मेरा बेटा। अभी अभी टीवी को बंद किया जी, और कुछ देर पहले जो है हम देख रहे थे मैच भारत और नीदरलैंड का, और अच्छा लगा, फिर से हमारी टीम जो है जीत गई है, और हमारे कोहली भाई साहब फिर से 50 मार दिए, और क्रियांश भी हमारे साथ जो है खेल रहा था, और क्रियांश जो है खेलते खेलते सो गया, तो इसको जो है अपना भोजन पानी भी हो चुका है, और अब बारी हमारे भोजन पानी, क्योंकि शाम का समय हो चुका है और थोड़ी सी भूख लग गई है, तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया जाए। तो जियाओ यहाँ बोला था मखाना फ्राई करने के लिए, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, वीडियो का वीडियो देखे। अच्छा क्रियांश का वीडियो देख लीजिए, रील सर, वाह चलो देखते रहना, पहले तुम हमको मखाना फ्राई दे दो। अच्छा, आजकल का सरसों तेल ऐसा होता है कि वो जम जाता है, अजीब सरसों तेल सा बनने लगा है, ये देखिए जमा हुआ सरसों का तेल, फिर अब ये पिघलेगा अजीब अजीब तेल है भाई साहब। हमारा तो नाश्ता हो गया जी, मम्मी का भी नाश्ता हो गया, और मम्मी जो है फाइनली आ गई है रितु के घर से, तो कैसा रहा अनुभव वहाँ पर? रितु घर से तो नहीं, उसकी मायके से, रितु का घर तो अभी है। अच्छा हाँ, मायके से आए हैं, अच्छा लगा घर, जैसे गांव में था तब, पहले हम लोग सुनते थे बहुत इंटीरियर है, लेकिन वो बात नहीं है, अब हर जगह प्रोग्रेस हो गया है, सबसे बेसी हमको अच्छा लगा कि उन लोग का व्यवहार बहुत सुंदर है, अच्छा गांव में रह करके भी मतलब अच्छा, सोच भी बहुत एडवांस, रहन सहन भी बहुत एडवांस। और जी अभी समय हो रहा है 4:30, और हमें जो है मार्केट भी जाना है, छठ के लिए खरीदारी करनी है, कल से ही कदुआ भात शुरू हो जाएगा कि परसों है? कल है, कल है, तुम्हारे घर में छठ पर्व के नाम पर अभी तक कुछ नहीं आया, सबसे पहले तो कल की तैयारी, बिल्कुल साथ परसों की तैयारी, बिल्कुल बाजार, तो हमें छठ की भी खरीदारी करनी है, तो कुछ देर में निकलेंगे भी, तो क्या क्या है बता देना, चूल्हा ले आओ, उसके बाद सोप, नमक, अच्छा मिर्ची जो भी है उसका लिस्ट जो है एक बार बना लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम लोग निकलेंगे, और बाकी एक दिन में सामान नहीं आ पाएगा, एक करके कल का आज लाओ, फिर परसों का कल लाएगा, अच्छा फिर उसके पर अगला दिन का फिर परसों लाओ, मजाले नहीं है सामान लेगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा लें, ताकि जब भी हमारा कोई नया ब्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।